है तो सर हमको कलेक्टर बना दो, हम बनने के लिए तैयार है, सबकी मांगे पूरी कर देंगे सर, आपको निकाल कर नहीं पाते तो। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की वायरल गर्ल निर्मला नए विवादों में घिर गई हैं। किराना दुकान पर सामान चोरी करते हुए एक वीडियो वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में दो लड़कियां दिखाई देती हैं, उनमें से एक लड़की झाबुआ की वीडियो वायरल गर्ल निर्मला बताई जा रही है। सामान उसके साथ खड़ी लड़की चुराती वायरल वीडियो में दिखाई पड़ रही है। वायरल होती ये सीसीटीवी फुटेज मध्य प्रदेश के झाबुआ की एक किराना दुकान की बताई गई। वहां मुंह पर कपड़ा बांधे एक लड़की खड़ी है, उसी के पास दूसरी लड़की भी दिखाई दे रही है। दोनों लड़कियां दुकानदार से कुछ सामान मांगती हैं, दुकानदार सामान निकालने में व्यस्त हो जाता है। मौका देखकर उनमें से एक लड़की काउंटर पर पड़ा सामान उठाकर वहां से चलती बनती है, जबकि दूसरी लड़की वहीं खड़ी रहती है। इस पूरे मामले में दुकानदार शिरीष का कहना है कि शुक्रवार को दो लड़कियां उनकी दुकान पर आई थीं, उन्हें बातों में उलझाकर सामान उठा ले गई, लेकिन लड़कियां कौन हैं, कहां से आई थीं, वो नहीं जानते। शिरीष का कहना है कि पहले भी दुकान पर इस तरह की घटना हो चुकी है, लेकिन पुलिस आवेदन तक नहीं लेती, इसलिए शिकायत भी नहीं की। घटना होगी शुक्रवार शाम की 7 तारीख की। दो लड़कियां ही, उस दिन मैं अकेला था, कोई सर्वेंट आए नहीं थे मेरे, और भी कुछ लोग खड़े थे बाहर, और उन्होंने मेरे को बातों में उलझा के पीछे और एक डब्बा यहाँ से पार कर लिया। इस प्रकार की घटना पहले भी कई बार हो चुकी है, और मैंने सतर्क करने के लिए अपना जो किराना ग्रुप है उसमें वो वीडियो व्हाट्सएप किया था। इस प्रकार की कोई शिकायत वहाँ लेते भी नहीं मेरे ख्याल से, तो पहले भी एक दो बार चोरी हुई, सिवाय आवेदन के कुछ नहीं होता वहाँ, इसलिए शिकायत नहीं की। छोटी मोटी घटना थी, पर अलर्ट करने के लिए मैंने वो वीडियो डाला है। वो पढ़े लिखे बच्चे हैं, पता नहीं कौन है। किराना दुकान से चोरी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो मध्य प्रदेश के झाबुआ की वायरल गर्ल निर्मला का बताया जा रहा है। पिछले दिनों कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर रही निर्मला अपने तीखे अंदाज को लेकर चर्चा में आई थी। हालांकि अब इस वीडियो को लेकर निर्मला ने सफाई दी है। निर्मला ने कहा है कि सामान चुराने वाली लड़की कुछ दिन पहले उनके घर के पास रहने आई थी। जब उन्हें घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने उस लड़की को सामान लौटाने के लिए कहा था। हालांकि निर्मला ने ये भी बताया कि दुकानदार से 400 रुपए के लेन देन का विवाद भी था। मेरे को नहीं मालूम, उस लड़की को मैं जानती भी नहीं, और मेरे को किसी ने बताया कि ये कुछ हुआ, तो मैं उस लड़की को जानती नहीं। वो मेरे रूम के पास में 2-4 दिन पहले रहती थी, और बाद में वो उसने खाली कर दिया उसी दिन, उसके फिर बाद में खाली कर दिया, और उसका कुछ ज्यादा पता मेरे को नहीं पता। हाँ, मेरे साथ में थी लेकिन मेरे को नहीं पता, फिर बाद में रूम के आप पता चला कि वो वहाँ लाई है, तो मैंने उसको बोल दिया तू वापस चुपचाप दे देना, इतना बोल दिया मैंने, और वो सामान ऐसा कैसा पड़ा उसके पास मेरे को इतना नहीं पता। क्या था दुकान मालिक से? वो कह रही थी, मैंने पूछा तो वो कह रही थी कि दुकान वाले से मेरे 400 रुपए बचे तो उसने दिए नहीं, और मेरे से भेजबाजी करी और वो पैसे नहीं दिए, इसलिए मैं ये डब्बा चुरा के लाई। तो मैंने बोला तू भले तेरे तू जैसे करे वैसे, लेकिन मेरे साथ है तो तू वापस दे देना, करके बोल दिया मैंने उसको। अच्छा, चोरी करता आपने देखा था? मैं तो नहीं देखा। नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा? हाँ, बस वो डब्बा था, यूं कर रही थी तो मेरे को लगा कि वो निकाल रही लेने के लिए, तो मेरे को लगा कि वो निकाल रही, बस रहने दिया, फिर बाद में पता नहीं इसने क्या करा। ब्यूरो रिपोर्ट।
टाइम 24 न्यूज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।